आईपीएल सीजन 13 का 52वां मुकाबला अब से कुछ ही देर में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में शारजाह के क्रिकेट मैदान पर शुरू होने जा रहा है। बता दें आपको कि इस मुकाबले के लिए यहां पर दोनों ही टीमें जीत के लिए आई हैं। अगर हैदराबाद इस मुकाबले को जीतती है तो यहां पर वो प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखेगी, वहीं आरसीबी को अगर ये जीत मिलती है तो वो सीधा प्लेऑफ्स के लिए गो थ्रू हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि आज के मुकाबले में दोनों ही टीमों ने बदलाव किया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। बता दें आपको कि यहां पर इस टीम में आज विजय शंकर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, उन्हें चोट लगी है। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली की सेना में भी बदलाव हुए हैं, डेल स्टेन की जगह सुरू उड़ाना आए हैं और नवदीप सैनी शिवम दुबे की जगह टीम में वापस आए हैं। आखिरकार शिवम दुबे की गलती क्या थी भाई, आरसीबी वालों को ये बताना पड़ेगा। हालांकि बड़ी बात यह है कि आज के मुकाबले में दोनों ही टीमें शानदार तरीके से दिलो जान लगा देंगी, क्योंकि फिलहाल विराट कोहली का तो यही कहना है कि वो बल्लेबाजी करना चाहते थे तो उन्हें उनके मन की मिली है, उनको लगता है कि विकेट स्लो होगा आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पर डेविड वार्नर ने भी शानदार तरीके से साफ कहा कि वो अपनी टीम को लेकर कॉन्फिडेंट है और ये टीम दोनों ही तरीके से शानदार प्रदर्शन कर सकती है। हैदराबाद पिछली जीत के मोमेंटम को बरकरार रखेगी, वहीं आरसीबी की टीम भी आज बाउंस बैक करना चाहेगी। देखना होगा कि जीत आखिरकार किसे मिलती है। वहीं दूसरी तरफ आज के मुकाबले में विराट की सेना भी पूरे तरीके से तैयार है। अब विराट की सेना क्या आज प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।